नेक्स्ट क्वेश्चन दो हजार सात में पूछा गया सवाल क्वेश्चन से इज अ होलो सिलेंडर हैज अ चार्ज क्यू कुल विद इन इट इफ फाइव इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्उड सर्फेस बी द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सर्फेस ए इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर विल बी और हमारे ऑप्शन है क्यू डिवाइड बाई टू एफ्सलॉट या फिर फाइव बाय थ्री या फिर क्यू बाय एफ्सलॉट माइनस फाइव या फिर हाफ क्यू एफ्सलॉट माइनस फाइव नाउ इस सवाल को जब हम जेई के स्टूडेंट्स के लिए डिराइव करते हैं इसको सवाल को हम क्लास में करते हैं इसको मैं आपको दो तरीके बताता हूँ एक तो इसका डायरेक्ट फार्मूले से कॉमन सेंस बिकॉज यहाँ पे हमें कैलकुलेशन uh, नहीं करनी है उस तरीके से कैसे सॉल्व करना है उसके बाद हम इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन और देखते हैं राइट right? तो सिचुएशन ये है कि यह आपका एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर आपके एक कहीं पर क्यू चार्ज सेंटर पर यहाँ पर आपका क्यू चार्ज रखा हुआ है और हमें तीन सरफेस दिए हैं इस सरफेस का नाम ए है ये बी और ये सी और हमें कहा गया है कि फ़्लक्स जो इससे बाहर आ रहा है उसको हमने फाई नाम दिया है हमें बताना है इससे जो फ्लक्स आएगा फाई ए वो कितना होएगा ना इससे जो टोटल फ्लक्स बाहर आएगा अगर इसका टोटल फ्लक्स देखें विदाउट एनी कैलकुलेशन अगर इससे देखेंगे जो इससे तो फ्लक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कितनी रोशनी अगर ये आपका लाइट सोर्स है तो कितनी रोशनी बाहर आ रही है तो टोटल फ्लक्स जो आएगा फ्लक्स नेट Uh, वो होएगा जो सरफेस से ए uh, से बाहर आया है प्लस जो सरफेस बी से बाहर है प्लस जो सरफेस सी से बाहर है नाउ ड्यू टू सिमेट्री हम ये कह सकते हैं कि ए और सी का फ्लक्स ब, बराबर होएगा तो इसको आप ले सकते हैं ट्वाइस फ्लक्स ऑफ ए माइनस फ्लक्स ऑफ बी या प्लस फ्लक्स ऑफ बी अगर अब हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि फ्लक्स ऑफ ए कितना होएगा सो so, उसको आप लिख सकते हैं कि आपका जो टोटल फ्लक्स uh, ए uh, से बाहर आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू फाइव नेट माइनस बी माइनस फाइव बी और इसको डिवाइडेड uh, बाय हम वन बाय टू कर सकते हैं नाउ फाइनेट जो होएगा अपना यहाँ से जितना फ्लक्स बाहर आएगा वो होएगा टोटल चार्ज इनक्लोज तो यहाँ जो हम फाइनेट लिख सकते हैं सो फाइनेट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट सो फाइनेट को यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो ये हो गया हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव फाइव हमें फाइव भी दिया हुआ है सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा ना ओबीसी पे अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो जेई में जब हम इसको पढ़ाते हैं तब इसकी क्लास क्लासरूम में हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं मैं आपको हल्का सा अंदाज़ा देता हूं, जिससे फर्दर कोई अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई बेटर सवाल इससे पूछ ले क्योंकि एक बार नीट में पूछा जा चुका है तो वो करना भी हमें आता हो अ हाँ uh, जो फ्लक्स आपका एक सरफेस से बाहर आएगा इसको ऐसे uh, ऐसे हम ये क्लास में इसको डिराइव करते हैं कि ये मान लीजिए आपका कोई चार्ज क्यू है और मान लीजिए यहाँ पे आपका ये कोई एरिया है रिंग uh, है रिंग uh, जिसका रेडियस आर और ये साइड ए है तो इस केस में हम ये कहते हैं कि यहाँ पे आपका सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है हम लिखते हैं कि सॉलिड एंगल विल बी इक्वल टू टू पाई वन माइनस कॉस एल्फा ये आपका सॉलिड एंगल है इसको एल्फा लिख लेते हैं ये कॉस एल्फा ये आपका सॉलिड एंगल है और ये आपका प्लेन एंगल होएगा नाउ जितना भी फ्लक्स इसकी वजह से जो रे रेडिएट हो रहा है वो हर डायरेक्शन में आपका फ्लक्स इसका बाहर जाएगा फील्ड लाइन इसकी हर डायरेक्शन में जाएंगी इसके थ्रू जो निकलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा कि ये आपका सॉलिड एंगल क्या बना हुआ है तो ये आपका सॉलिड एंगल है और ये आपका प्लेन एंगल है सॉलिड एंगल मैं आपको समझाने के लिए कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ कि मान लीजिए ये आपका आइस आइसक्रीम का कोन है तो इसका प्लेन एंगल तो टू डायमेंशनल एंगल होएगा जो इन दो लाइनों के बीच में आएगा और ये इसका सॉलिड एंगल है प्लेन एंगल को अगर हम सर्कुलर वो कचड़ा कर रहे हैं तो प्लेन एंगल को जब हम पूरा कवर करते हैं तो एंगल टू पाई कवर होता है और सर्कुलर को जब हम आपका थ्री डायमेंशन में पूरा करते हैं तो आपका फोर पाई पूरा कवर होता है हालांकि सो इस केस में यहाँ पे ये क्योंकि साइड ए है और ये आर है तो यहाँ पे आप फाई को लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू टू पाई वन माइनस कॉस एल्फ़ा जो है उस इस एल्फ़ा को आप लिखेंगे ए ये बेस डिवाइडेड बाय हाइपरटन सो दिस विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आपका सॉलिड एंगल यहाँ पर हो जाएगा हले और उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका नेट फ्लक्स निकलेगा टोटल फ्लक्स इसमें से मान लीजिए फाई निकल रहा है और यहाँ पे जो फ्लक्स निकलेगा सो टोटल फोर पाई एंगल की वजह से फ्लक्स आपका फाइव है उस फाइव को हम लिखेंगे क्यू बाय एफ्सल नॉट और एक साइड से जो आपका uh, किसी एक यूनिट एंगल से निकलेगा सो दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट या इसको ऐसे लिख लो फाइव डिवाइड बाई फोर पाई दैट विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई फोर पाए एफ्सल नॉट और किसी इस एंगल से जब निकलेगा तो वो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी सॉलिड एंगल ओम से जो निकलेगा वो होएगा ओम मल्टीप्लाईड बाय क्यू डिवाइडेड बाय फोर पाई एफ अब इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर हम फिट कर देंगे तो आपका फ्लक्स हो गया थ्रू दिस साइड ए इस ए साइड से जो फ्लक्स निकलेगा वो हो गया और तो इसको अगर आप यहाँ ये यह वैल्यू रख देंगे सो तो ये हो जाएगा टू पाए तो कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल बी हाफ क्यू डिवाइड बाई एफ्सलोट और ब्रैकेट में आ गया वन माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी हालांकि सो दिस इज द करेक्ट आंसर दिस इज़ अ प्रॉपर आंसर अगर कोई आपसे पूछना चाहे सो so ये उसका प्रॉपर डेरिवेशन है सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर